हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों थोड़ा मेरे चैनल दे विच। दोस्तों आज ये वीडियो मैं थोड़े लिए लेके आया हाँ, जिस विच मैं थानू स्नेक प्लांट दी असी प्रेपोगेशन किमें कर सकते हाँ, जां स्नेक प्लांट दे एक पत्ते तो असी होर अनेक प्लांट किमें बना सकते हाँ, आज मैं इस वीडियो विच थानू पूरी जानकारी देवांगा। दोस्तों अगर तुसी हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसनों सबसक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर फार्मिंग ते गार्डनिंग रिलेटिव वीडियो लेके आता रहना हाँ। दोस्तों ये हुंदा स्नेक प्लांट, इसका दूसरा नाम सेंसिवेरिया भी है। ये प्लांट अजकल यूट्यूब ते बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, जिमें कि पिछे करोना लंघ के गया है उस विच लोगों नूं ऑक्सीजन की कमी हुई सी। ये प्लांट नासा ने रिकमेंड किया है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन दिता है। एक इनडोर प्लांट भी है, तुसी इसनू डार्क लाइट विच भी लगा सकते हो अपने कमरे विच। अगर तुसी ये प्लांट नर्सरी तो लैन जाने हाँ तो थानू इस तरह का वड्डा प्लांट 1000 to 2000 रुपये दे विच मिलेगा, और एक छोटी जी पत्ते दे उपर जड़ा आइयां वाला प्लांट थानू 200 to 300 रुपये का मिलेगा। अज थानू मैं अजिहा तरीका दसांगा, अगर थोड़े कितने रिश्तेदार जां आले दुआले किसी के घर भी स्नेक प्लांट है, तुसी उसकी एक मच्योर लीफ पक्की पत्ता इस तरह का पत्ता लेना है। दो तरह के पत्ते दिखा रहे हैं थानू, एक का लाइट कलर है एक का डार्क कलर है। तुसी डार्क कलर वाला पत्ता एक लेना है। हुण थानू मैं दसांगा उसकी कटिंग किवें करनी है। ये देख सकते हो हाइट मेरे स्नेक प्लांट की, ये 3 to 4 साल पुराना प्लांट है। दोस्तों जिमें तुसी ये वाला पत्ता देख सकते हो, ये वाला पत्ता मच्योर नहीं है। जिमें कि इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, डार्क कलर वाला पत्ता तुसी चूज करना है। देखो मैं ये एक पत्ता ले रहा हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो तुसी इस तरह एक लीफ तुसी कैंची नाल कट के कितों भी ले आना है। हुण नैक्सट थानू लगाने की विधि दसांगा। दोस्तों वीडियो विच बने रहियो, वीडियो पूरी देखोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों तुसी ये देख सकते हो, ये मैं एक स्नेक प्लांट का मच्योर लीफ ले लिया है। जिमें कि थानू मैं पहला दसिया मच्योर लीफ की निशानी ये होंगी है, ये डार्क कलर विच आ जाता है। दोस्तों तुसी इसकी कटिंग कर लेनी है, इसके 4 to 5 प्लांट बना लेने हैं। ये देखो इस तरह, ठीक है जी। जो इसका नीचे वाला पासा है उसनू तुसी नीचे डाउन च ही रखना है, जिमें इसका थलड़ा है इसनू अजिहा एक तरह निशानी लगा लो, क्योंकि अगर इसका उपरला पासा थले आ जाएगा फिर उसनू रूट नहीं आनगिया। ये देखो ये दो ये हो गया, 3 ये 4। हुण दोस्तों इसनू तुसी लगाना किवें है, इस दे लई तुसी रूटिंग हारमोन दे लई एक एलोवेरा लेनी है। एलोवेरा नू इस दे विच इस तरह लगा देना है कि इस दे विच रूटिंग अच्छी तरह हो जाए। इस दे नीचे वाले पासे तुसी देख सकते हो मैं जिमें लगा रहा है, अच्छी तरह लगा देना है। स्नेक प्लांट दी प्रेपोगेशन दोस्तों एक तो यह तरीका है, एक दूसरा जदों असी प्लांट साडा मच्योर हो जाता है उसके बेबी प्लांट निकलन लग पैंदे हैं, उस तरीके नाल भी तुसी स्नेक प्लांट लगा सकते हो। ये देख सकते हो तुसी अजिहा इस दे नीचे इसनू बस नॉर्मल तुसी सैंड लेनी है। इस दे विच मैं कोई मिट्टी नहीं ली, ओनली रेता है, रिवर सैंड है। दोस्तों इस विच तुसी 3 to 4 इंच इसनू इस तरह डाउन दबा के इस तरह आले दुआले घुट देना है कि यह टाइट हो जाए। जो तुसी एक टाइम से कटिंग लगाते हो तुसी 4-5 कटिंग्स लगाया करो। ये देखो इसनू मैं लगाने दे लई एक वेस्ट डब्बा है उसनू यूज कर रहा हूँ। दोस्तों जदों तुसी इस तरह कटिंग ला देनी है तो इसनू तुसी रेता तो बाद रेता दे विच ते पानी हौली हौली इसनू पानी देना है कि ये हिले ना। इसकी कटिंग एक बार तुसी इसनू भर के पानी देना है, बाद विच तुसी
सिर्फ इसके मॉइस्चर नूं ही मेनटेन रखना है। जदों तुहानूं लगता है कि यह सुक रहा है हल्की हल्का पानी दे दो। ठीक है दोस्तों, अगर तुहानूं यह जानकारी मेरी वधिया लगी होवे तां प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहना कि तुसीं इन्ना कॉस्टली प्लांट नर्सरी तो परचेज़ करो। इसनों अपने घर विच ही एक तो दो करो। अगर तुहानूं कितें पत्ता इसका मिलता है उस तो तुसीं इसनों ईजीली लगाओ। थैंक यू दोस्तों।